जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी BPSC और दरोगा के लिए सेशन चलाया जा रहा है, इसके साथ ही सभी परीक्षाओं के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। बिना देरी किए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रो के आप वीडियो देख सकते हैं, तमाम सारे डेली जो भी क्लासेस चलती हैं तो बने हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया। थॉमसन ने पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण पर जहां से मिलते हैं वह स्थान है आदमगढ़। चोपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा और सराय नहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं महदहा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दमदमा से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई है तो नव पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लहुरादेव से। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है तो ताम्रपाषाण युग को। आगरी, मेहरगढ़, कोटिदी, कालीबंगा से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए तो वह है मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था तो HT संकतिया ने। नौदा टोली स्थित है तो मध्य प्रदेश में। बिना बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में राख का टीला, बुद्धिहाल, संगलकुलू, कुलडीवा, ब्रह्मगिरी में से जिस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकलू। भीम बेट का प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीम बेट का से। अजंता भीम बेट का बाघ तथा अमरावती में वह स्थल जो प्रागैतिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीम बेटका की गुफा स्थित है तो अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। गैरिक मृत्युबाण पात उसी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों की घर के स्पर्श फर्श के नीचे दफनाते थे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ब्रह्मगिरी, बुरजोहोर, चिरांद तथा मास्की में वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है तो बुरजोहोम में। बुरजोहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, संगनकुलू में से गढ़ तवास के साक्ष्य मिले हैं तो बुरजोहोम से। किस क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो लेखैया से। भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्कृति पर्यटन विभाग और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो भोपाल में। अब पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में बिना किसी देरी किए सबसे पहले तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पाषाण काल के देख सकते हैं सभी चीज़ें आपके। रॉबर्ट ब्रूस थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। चोपानी, मांडो, ककरिया, महदहा और सराब नहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं महदहा से।
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य प्रसाण काल में प्राप्त हुए हैं। महदा से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं। दमा से खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। नवपाषाण काल में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। नर्मदा घाटी से मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त नाय था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। लहुरा देव से पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग में से चार कोथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को आगरी मेहरगढ़ कोटी कालीबंगा से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। एस डी संकलिया ने नौदा टोली स्थित है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। भोपाल में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। बुर्ज होम कोल्डैया ब्रह्मगिरी संगनकुलम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम से बिंद क्षेत्र का वह शिला से जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लिखैया से ब्रह्मगिरी बुर्ज होम चिरांत तमास्क में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। सावधान बुर्ज होम से ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श से नीचे अपनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर गैरिक मृदभांड पात्र उसी भी का नामकरण हुआ। हस्तिनापुर में भीमबेटका की गुफा स्थित है। अब्दुल्ला राय सेन मध्य प्रदेश में अजंता भीमटेक बागतता अमरावती में वह स्थल जो प्राकृतिक चित्रकला के प्रसिद्ध है। भीमटेका भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राख का टीला बुद्धि संगलकलु कोल्डैया तथा बरगरी में से जिस नवपाषाणिक काल से समय तो वह संगलकलु बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।